बता दें, ममता दीदी की स्ट्रैटेजी अब फिलहाल पूरी तरह से बदली हुई है। जय श्री राम का नारा लगाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके ऊपर आरोप लगाती है मुस्लिम तुष्टिकरण के, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में आकर जिस तरह से अपना रूप दिखाया है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है, तो यकीनन इसके जरिए वो हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। मंच पर एक तरफ जहाँ उन्होंने चंडी पाठ किया तो वहीं उसके तुरंत बाद मंदिर मंदिर जाकर भगवान के कर रही है दर्शन। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत ममता बनर्जी ने जिस तरीके से की है, उनका हिंदू अवतार सामने आ रहा है, मंत्रोच्चार किया, इसके बाद वो सीधे आ गई हैं बांसुरी मंदिर में। यहाँ पर काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और इस मंदिर में वो पूजा पाठ कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। ये छोटा मंदिर है, हरि मंदिर है, इसके बाद वो जो मुख्य मंदिर है दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगी। वो बगल में ही है, बिल्कुल सामने ये दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पर आने वाली हैं वो। और फिलहाल वो हरि मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं, जो पुरोहित हैं उनसे बात कर रही हैं और अब निकल रही हैं। आप देख सकते हैं मंदिर से वो निकल रही हैं, ये जो हरि मंदिर है यहाँ से निकल रही हैं। और ममता बनर्जी ने आज जो वर्कर्स मीट की है उसमें लगातार उन्होंने 10 मिनट के आसपास मंत्रोच्चार किया है, चंडी पाठ किया है और साफ साफ कहा है कि जो लोग 70% और 30% का खेल खेल रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। यहां पर ममता बनर्जी को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में महिलाएं जुटी हैं, सबसे वो हाथ भी मिला रही हैं, हाथ मिला रही हैं और इस वक्त वो मुख्य मंदिर में जा रही हैं। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर इस वक्त वो जा रही हैं और लगातार सबको प्रणाम भी कर रही हैं। दुर्गा का मंदिर है ये मुख्य दुर्गा का मंदिर है, जहां दुर्गा के मंदिर में अभी ममता बनर्जी जा रही हैं। दुर्गा के मंदिर में ममता बनर्जी पूजा अर्चना करने के लिए जा रही हैं, यही मुख्य मंदिर है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अपेक्षा की गई थी कि नंदीग्राम में जो 35% मुस्लिम वोट बैंक है उसको आधार बनाकर ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पूरी तरह से उल्टा खेल दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी की रणनीति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई पड़ रही है, जहाँ वो शुरुआत से ही अपना हिंदू अवतार दिखा रही हैं, आते ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अब मंदिर में पूजा अर्चना, तो ये रणनीति में फेरबदल है और पूरी तरह से फेरबदल है, क्योंकि उनको मालूम है कि 35% वोट में से ज़्यादा 5% कट सकता है, लेकिन बाकी का जो 70% वोट है वो उनके लिए बहुत अहम है और यही वो दिखाने के लिए, जताने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका भरोसा जीतने की कोशिश है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।